चुनावी मुझे प्रचंड बहुमत से जिताकर भेजेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब MLC चुनाव को लेकर पार्टियों ने ताकत लगा दी है। बस्ती सिद्धार्थ नगर स्थानीय निकाय विधान परिषद सीट के लिए भाजपा के घोषित प्रत्याशी सुभाष यदुवंश कलेक्ट्रेट पहुंचकर दो सेटों में अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर सांसद जगदम्बिका पाल, सांसद हरीश द्विवेदी समेत BJP के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बता दें कि BJP MLC प्रत्याशी सुभाष यदुवंश के नामांकन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि स्थानीय निकाय में जो भी विपक्षी दलों की विजयी प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने इसे उपेक्षा का शिकार बनाया। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि इन तीनों जिलों के जनप्रतिनिधियों और मतदाताओं से फीडबैक लेकर यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का विकास, शिक्षा का विकास और वर्तमान में नई टेक्नोलॉजी के साथ पूरा विस्तार से जो भी विकास की योजनाएं होंगी उसे पूरी तरीके से लागू करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि जो 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में सरकार ला सकता है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना सकता है, ऐसे अपने देवतुल्य कार्यकर्ता विधान परिषद में मुझे प्रचंड बहुमत से जिता सकता है और इन्हीं देवतुल कार्यकर्ताओं की बदौलत प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज होगी। हमारी प्राथमिकता यहां पर यह रहेगी कि इन तीनों जगहों पर गांव जो प्रतिनिधि हैं, जो मतदाता हैं, उनसे सारे फीडबैक को इकट्ठा करके और वहां पर मूलभूत सुविधाओं के विकास की, शिक्षा के विकास की और जो भी आजकल वर्तमान में जितनी टेक्नोलॉजी, जैसे सभी गांवों को माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ने का काम हो रहा है, तो वैसे कि छोटे मूल बिंदु से लेकर के और टेक्नोलॉजी तक पहुंचने का ये पूरा विस्तार से जो भी विकास की योजनाएं होंगी उनको लागू करना और इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत रहना, ये हमारी प्राथमिकता है। हम प्रचंड बहुमत से यहां से चुनाव जीतेंगे और मैं पुनः अपनी बात को दोहरा रहा हूं, आपने जो कहा उसको वो करके कि अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं की बदौलत जो देवतुल्य कार्यकर्ता दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना सकते हैं, 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार को ला सकते हैं, जो इतने और पूरे केंद्र की सरकार को लगातार हम लोग पूरे देश में, वो एक विधान परिषद का चुनाव भी मुझे प्रचंड बहुमत से जिताकर भेजेंगे। हमारे माननीय सांसद जी और दोनों लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, माननीय विधायक जी, हमारे प्रथम नागरिक, ऐसे देखिए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं और इसके अलावा सभी कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर विजय प्राप्त करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, JMD खबर।